वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम वही मोल फ्रैक्शन को क्लियर करना चाहेंगे, उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथेनॉल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, तो ये बहुत ही आसान है। 46% इथेनॉल इन वाटर का मतलब क्या हुआ कि 46 ग्राम इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूट। ओके, सो वाटर मास ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। मास ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, इट विल कम आउट 100 माइनस 46 इक्वल टू 54 ग्राम। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बच्चों जानते होंगे, इथेनॉल मीन्स होता है C2H5OH। इसका मॉलिकुलर मास निकलेगा 12 2 24, 5 प्लस 16 प्लस 1, 7 7 5 12, 12 4 16, 1 1 2 4। ओके, इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 46 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास 46 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल विल कम आउट 1। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, अगेन वाटर फार्मूला H2O, 2 प्लस 16 मीन्स 18। ओके, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर गिवन मास यू हैव कैलकुलेटेड 54 ग्राम बाई 18 ग्राम। It will come out 3. Okay, now mole fraction of ethanol equal to N of ethanol divided by N of ethanol plus number of moles of water. इथेनॉल का मोल 1 है एंड 1 प्लस 3 1 बाई 4 विल कम आउट टू 0.25। ओके, फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आल्सो, इट वुड बी 0.75। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज PPM, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन
मेनली इट इज यूज टू एक्सप्रेस द पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन. सिमिलरली पीपीबी आल्सो यूज पार्ट्स पर बिलियन. सो माय नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन. सॉरी आई हैव टू इरेज इट. पार्ट्स पर मिलियन एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज पी पी एम. ओके पी पी एम मिलियन. यू नो वेरी सिंपल मिलियन इज 10 to the power 6. 10 to the power 6 1 million 2 million जानते ही होगे. ओके इसको एग्जांपल लेकर के समझते हैं. जैसे मान लो कि शुगर इज 2 ppm इन सॉल्यूशन. शुगर इज 2 ppm इन सॉल्यूशन. इसका क्या मतलब हुआ 2 gram ऑफ शुगर 2 gram ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 gram ऑफ सॉल्यूशन. ओके 2 gram ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 gram ऑफ सॉल्यूशन. यू कैन कैलकुलेट यू कैन डिराइव द फार्मूला और यू कैन फार्मूलेट हाउ टू कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स फार्मूला आप पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6. ओके पार्ट्स पर मिलियन कहिए. 2 ppm का मतलब क्या होता है 2 parts जो प्रेजेंट है 10 to the power 6 पार्ट में. ओके तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ओनली यू हैव टू नो. ओके नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सो आई वुड लाइक टू इरेज इट. ओके ठीक है चलते हैं मिटाते हैं. छठा कंसंट्रेशन टर्म आपका है मोलारिटी. मोलारिटी इसका क्या मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इट इज नोन एज मोलारिटी. एग्जाम्पल लेकर चलते हैं थोड़ा सा इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मोलारिटी ऑफ शुगर मोलारिटी ऑफ शुगर एक्वा सॉल्यूशन इज 5 ml. इसका क्या मतलब हुआ कि
5 moles of sugar are present in 1 liter solution. 1 liter solution. Sorry. Molarity of H. Another example. Molarity of hydrogen ion is 3m. 7m. Take. क्या होगा? 7 moles of hydrogen ions are present in 1 liter solution. ओके अब यहां से फार्मूला निकाल सकते हैं मोलारिटी का. तो फार्मूला को थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देता हूं. मोलारिटी मोलारिटी को इसमें कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोलारिटी. अब आप लोगों को पता होगा कि मोलारिटी के लिए आवश्यक है नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को मालूम होगा. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. जिस किसी का भी निकालना होगा रख देंगे उसका गिवन मास और उसके मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा. अब यहां से एक आवश्यक बात है कि नंबर ऑफ मोल्स को मोल करके इसका यूनिट होगा वॉल्यूम का लीटर होगा. तो यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर. ओके मोल पर लीटर. इसको सिंपली हम एक्सप्रेस करते हैं एम कैपिटल एम से. मोल पर लीटर को सिंपली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कैपिटल एम मोलारिटी. आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स से. बिना न्यूमेरिकल्स के जो है ये सब क्लियर होने वाला नहीं है. तो चलिए इसको मिटाते हैं फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल्स बहुत आवश्यक होता है. क्वेश्चन है आपके लिए फाइंड मोलारिटी ऑफ ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन ओके वेरी इजी सॉल्व करना है आपको. देखो
40 ग्राम गिवेन मास एब्सोल्यूट, गिवेन मास इक्वल टू 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, यस। सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 इट विल कम आउट 40 ग्राम, ओके। अब वॉल्यूम देखो दे रहा सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन (250 ml). इसको लीटर में चेंज करोगे 250/1000 लीटर। अब सिंपल मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दो, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 250/1000। ओके, गिवन मास आपका 40, मॉलिक्यूलर मास 40, 250/1000, 40 × 1000 / 40 × 250। This 40 cancel, this 0 will be cancelled by 0. 4 m, the molarity of solution will be 4 mole per liter. Understand? I think you can do the question easily. There is nothing to terrify or horrify. Okay? Now, I am going to give some questions for homework. Okay? Can I this? Okay. होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। ये दो क्वेश्चन है, उसका हम आंसर बता देंगे, पर क्वेश्चन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के लिए, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 cm³ सोल्यूशन। इसका आंसर होगा, इसका आंसर आएगा है 0.1 m। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml of 3 m सॉल्यूशन। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 31.8 ग्राम, ओके।
दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन एजुकेटिंग।